अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स, दोस्त अहबाब सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ शहबाज मलिक और आप देख रहे हैं शहबाज मलिक व्लॉग्स। जी दोस्तों, मेरी आज की रेसिपी है आलू मेथी। आलू मेथी मैं अपने घर में अपने तरीके से किस तरह से बनाता हूँ वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए किचन में अपने आलू मेथी की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेथी ली है दोस्तों मैंने 1.5 किलो, जिसे मैंने अच्छी तरह 4 से 5 पानियों में धो लिया था। ठीक है, इसमें मैं एक गड्डी मैंने पालक भी ली है, जिसे मैंने धोकर साफ़ करके एक गड्डी में से तकरीबन 1 आधा किलो की गड्डी होगी, 1 पाव ही पालक इसमें बची होगी। पालक को भी मैंने अच्छी तरह धो लिया है। जी आप मेथी, पालक, साग वगैरह जो भी ये पत्तों वाली सब्ज़ी लें उन्हें अच्छी तरह से धो लिया करें, क्योंकि इसमें रेत के ज़रात वगैरह और किरक वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। 4 से 5 पानियों में वॉश करने से इसमें से ज़रात वगैरह तमाम अच्छी तरह से धुलकर निकल जाते हैं। तो चलते हैं अपनी हांडी की तरफ और रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। जी प्याज लिया था मैंने एक बड़े साइज़ का, इसे मैंने तकरीबन ऐसे कटिंग कर लिया है। और 200 ग्राम कुकिंग ऑयल लिया है, इसे भी मैंने हांडी के अंदर डाल लिया है। प्याज थोड़े से मेरे नरम हो जाएँ हल्के से, तो फिर इसमें हम दूसरे मसाले डालेंगे। प्याज मेरे थोड़े से और नरम हो जाएं, फिर मैं इसमें लहसुन अदरक डालूंगा। प्याज मेरे हल्के से गोल्डन हो गए, इसमें अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगा। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। इसे हल्का सा बस 20-30 सेकंड के लिए बस गोल्डन सा कर लेंगे, फिर इसमें टमाटर और हरी मिर्चें वगैरह डाल देंगे। तकरीबन लहसुन और प्याज वगैरह मेरे हल्के से गोल्डन हो गए, अब मैं इसमें टमाटर, जिसमें 4 से 5 मैंने टमाटर लिए हैं, 8 से 10 अदद मैंने हरी मिर्चें लिए हैं, इन्हें मैंने इस स्लाइस में कटिंग कर लिया है। डाल देंगे इसे डालकर थोड़ा मिक्स करेंगे। मसाले भी हम इसी में डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच लिया है लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, नमक आप अपने जायके के हिसाब से जैसा आप खाना पसंद करते हैं। गरम मसाला लिया है मैंने 1 खाने का चम्मच, इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया भी कूट कर डाल दिया है। गरम मसाला और तकरीबन साबुत धनिया ये दोनों मिलाकर 2 खाने के चम्मच हैं, वो भी हम इसी में डाल देंगे। सही गया सी गबू। टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह और मसाले भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा। पानी डालकर अब इसे मैं करूंगा थोड़ी देर के लिए कवर, 3 से 4 मिनट, ताकि हमारे टमाटर वगैरह सॉफ्ट हो जाए। मसाला माशाल्लाह हमारा भुन गया है, अब हम इसमें आलू मेथी डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू मेथी इसमें शामिल कर देंगे।
थोड़ी थोड़ी डालेंगे, क्योंकि जब ये मेथी थोड़ी बैठ जाएगी फिर दोबारा हम इसे इसमें डाल देंगे अगर आपके बर्तन में जगह ना हो तो। मैं इसमें सारी डाल दूंगा, थोड़ी देर के लिए मैं ढक दूंगा। आलू भी इसके साथ ही मैं डाल दूंगा। ये देखिए दोस्तों, अब आलू चेक करते हैं कि आलू सॉफ्ट हो गए हैं या नहीं। आलू माशाल्लाह हमारे रेडी हैं। अब इसे तेज़ आग करके ये जो इसका पानी नज़र आ रहा है ये इसे पानी हम खुश कर लेंगे, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, फिर हमारे आलू मेथी परफेक्ट माशाल्लाह रेडी हैं। बस इसे थोड़ी देर हम भून लेंगे तेज़ आग करके। ये देखें माशाल्लाह आलू मेथी हमारी परफेक्ट तैयार है। इसे मैंने 4 से 5 मिनट तेज़ आग पर भून लिया था। मेथी ने ऑयल सेपरेट कर दिया है, ऑयल सारा मेथी का निकल चुका है। अब हम इसे करते हैं प्लेट में डिश आउट, फिर आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह हमारी आलू मेथी की रेसिपी ज़बरदस्त तैयार है। ये देखें दोस्तों, हमारी आलू मेथी माशाल्लाह परफेक्ट रेडी है। अगर आपको ये आलू मेथी की रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।